अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंत्री आई रंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद हबीब मुगल साहब की तरफ और उनके कबूतर कुछ हमारे हाथ में हैं कुछ पीछे हैं, तो आपको इनका शौक करवाएंगे। और अभी हम बात करते हैं उस्ताद हबीब मुगल साहब से और उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से कबूतर हैं जो हम अब आपको शौक करवाने लगे। तो हबीब भाई बताइएगा कबूतरों के बारे में। ये कामरान भाई, ये इमामदीन है प्योर। अच्छा, ये इमामदीन कबूतर? हाँ जी, ये प्योर इमामदीन है और ये वक्त के साथ साथ ये जाल ले आते हैं अपने ऊपर। सही। और आँखें इनकी डार्क हो जाती हैं। और डार्क हो जाती है? और डार्क हो जाती है। ये जब बच्चा निकलता है इसका बाग का, ये बच्चा बिल्कुल जोंसरा टाइप और सफ़ेद सा होता है। बंदा परेशान हो जाता है कि, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कलर सेम यही बना जाते हैं। नुमान भाई ये देखें, नुमान कलर ये उस्ताद हबीब मुगल साहब की तरफ जो इमाम दीन कबूतर हैं, ये वो कबूतर हैं। आपको मैं दिखाता हूँ उधर आके, लाइट इधर से पड़ेगी। ये देखें जी, ये इमामदीन की आंख है। अब ये हबीब भाई बताएंगे इसके बारे में मजीद। ये कामरान भाई, इनका जब यंग एज होती है, ये इनकी आंख तेज होती है। अच्छा, बाद में ऐसा ऐसा फीकी पड़ जाती है। इनके दूर से आपको स्याही सी नजर आती है? हाँ जी, बचपन मैं नेट पे काफी इमेजेस देखता रहता हूँ जिनमें लोगों ने इमामदीन कबूतर लगाए होते हैं। इमामदीन को कभी भी ये साइडों पे गर्दन पे कांटे नहीं आते। ठीक है, ठीक है ना। इनमें बल्ले कबूतर होते हैं? बल्ले नहीं होते? बल्ले नहीं होते इनमें। अच्छा, किसी भाई ने मुझे कहा था कि इमामदीन बल्ले भी होते हैं। ना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास लाहौर में खजाना पड़ा हुआ है नईम भाई के पास इमामदीन कबूतरों का, आप मुझे एक भी बल्ला कबूतर उसमें से निकाल के? नहीं है, नहीं हो। और दूसरी बात ये कि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कमगर कोई भी कबूतर होगा ना, उसमें ये सुनहरा सा कलर, ये सुनहरा सा कलर होगा दुम में भी, और ये मतलब दुम का उसका ये सुनहरा सा कलर होगा, उसमें जाग काला स्याह पर नहीं होगा। कमगर में स्याह पर नहीं होगा? ना। लेकिन एक हमारे बड़े ही अहम उस्ताद हैं, वो कहते हैं स्याह दुम स्याह शाह सिरे कबूतर है। भाई जान, वो हमें तो नहीं वो समझ आती। हमें भी नहीं आती, हमें वो समझ नहीं आती, क्योंकि देखें मेरी बात सुने, 2000 की बात है, 2001 या 2 की बात है, जब हम बाबा अली बलोच से मिले थे, माशाल्लाह 90 अबव थे वो। 90 अबव थे वो। सही। बाबा अली बलोच एक हिस्ट्री में नाम है उनका, कसूर वाले। हाँ जी। तो उनसे लाला यूसुफ साहब से, नईम भट्टी साहब से, नईम भट्टी साहब के बड़े भाई अहमद भट्टी साहब, सुहेल अंसार खान साहब, इनसे मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसमें मुझे कहीं भी ये जो कबूतर हैं जो मैंने आपको हुडिया बताया उसमें नहीं मिले कि उनमें काला पार आता हो। ठीक है। हाँ, नहीं मिलते। हाँ मिलते हैं क्रॉस में, कहीं क्रॉस में। हाँ, चीने चुने डल गए हूँ। हाँ जी, गहरे जालदार लगे, उनमें कोई फीका निकल आया। हाँ जी। बाद में वो कबूतर अपना रंग भी चेंज करते हैं जिनके भाई शास्त्री वगैरह निकलते हैं। हाँ जी। इन कबूतरों में कमगर कबूतर जहाँ तक मेरा अंदाज है, हो सकता है बीच में सफ़ेद पर भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सुनहरी ही पल्ले नज़र आएंगे। हाँ, स्याह पर नहीं होगा, सफ़ेद एक आधा अगर कहीं आ जाए तो आ जाए। भाई जान, गर्दन में भी सुनहरे बाल मतलब इनके पार होंगे, गर्दन में भी काला नहीं होगा, बिल्कुल कालापन नहीं होगा। हाँ, सुनहरा होगा, सबजपन ज़्यादा होगा। हाँ जी। अभी तक काफ़ी ऐसे मतलब बड़े बड़े सीनियर उस्ताद ऐसे हैं, आप यकीन करें कि वो उनकी छत पे कोई इस तरह का कबूतर फिरता हो ना, तो उनको उनके पास सिर्फ दो नाम है। उनसे पूछेंगे उस्ताद जी है केड़ा कबूतर है, वो कहेंगे गोल्डन है, या फिर वो कहेंगे कमगर है, बस बिल्कुल ऐसे ही है। इनमें ये कामरान भाई, इनमें जो है ना, इनमें बेसिकली जो चार कलर हैं, ये स्लेटे भी बच्चे निकालते हैं इमामदीन। ठीक है। और ये जो है जालदार भी होते हैं, ये जो मैंने आपको सलारा कलर दिखाया, ये भी होते हैं इसमें, इसमें ये सलारा कलर भी होता है। अच्छा अभी भाई, गोल्डन और कमगर में फ़र्क है क्या वैसे?
कमगर जो है, कमगर बेसिक बड़े कबूतर हैं जिनमें से आगे, जिनमें से आगे कमगर ये गोल्डन जो है वो क्रिएट किए गए हैं। क्रिएट किए गए हैं? हाँ, किसने क्रिएट किए? मियां नज़ीर साहब। मियां नज़ीर साहब, तो बेसिकली गोल्डन जो है वो कमगरों की सब ब्रीड है। सब ब्रीड है। हाँ जी, सब ब्रीड है। हाँ जी। और ये बने किन दो, जो मैंने बुक देखी थी वो जो एक पुरानी बुक चली थी, हयात वाला, मियां साहब बताते होते थे हयात वाला कबूतर था, ठीक है, और मादा जो है वो उन्होंने जो एक शेहुपुरी कबूतर था और मादा उन्होंने वो लगाई थी। बहरहाल वो गोल्डन जो है, समझ लें कि गोल्डन आगे पोते हैं और ये जो कमगर हैं ये दादा है, ये दादा है। अच्छा, जो दिलावर खान साहब वाले कबूतर थे वो क्या थे? हीरा लाल जो थे वो भी इसी तरह थे, वो भी आगे। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, जिन कबूतरों में नीला रिंग आता है ना, नीला रिंग आता है, कौन सा नीला, जो तिल के बाद आता है? तिल के बाद जिन कबूतरों में वो नीला रिंग आता है ना, वो समझें कि वो बाद की एवोल्यूशन है। जिनमें काला आता है? काला रिंग नहीं आता, स्याही माइल, मतलब काले नूर के बाद वाली बात कर रहा हूँ। आप मेरा हाल एंड वाले पे नहीं, नहीं मैं उसी की बात, जो जिनकी जिनकी असल है ना, असल गोल्डन जो जो सॉरी कमगर है, उनकी जमीन सफेद है। हाय हाय, स्वाद आ गया। अच्छा, हाँ, और रिंग, वो जो रिंग आप कह रहे हैं नीला है, वो आंख ऑरेंज लाल है। जो रिंग आप कह रहे हैं जो नीला आता है वो नीला नहीं आएगा, ओरिजिनल कमगर उनमें नीला रिंग मरते दम तक नहीं आता। सही, वो ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे ही सफेद, भी सपाट सफेद, बिल्कुल शाइनी। हाँ जी, है ना? हाँ जी। हाँ, आप मेरा कबूतर निकाल दिया मेरे बेटे ने। अच्छा, अभी तक नहीं मिला मुझे ऐसा कबूतर। सही, बिल्कुल सफेद सपाट उसके वो था, और नारंगी, नारंगी रिंग आएगा, नारंगी रिंग। हाँ जी। हाँ, ये लो जी, ये अब ये वाला जो कबूतर है, इस कबूतर को अंदर ही छोड़ दो ऐसे, इससे पहले कि वो, ये हमारी वीआईपी ब्रीड है, ये 19-20 साल से हमारे पास, तकरीबन जब से मेरा शौक है ये आपके पास। हाँ, हमारे पास। तो बेसिकली ये क्या कहलाएंगे, ये भी कमगर कहलाएंगे? कमगर है, लेकिन इनमें भी नीला रिंग है। नुमाने दर, ये बने हुए कमगर? हाँ, इनमें भी नीला रिंग है। ये देखें जी, बहुत ही शानदार, बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये आंख इसकी आपको दिखा रहे हैं, सियाणा बड़ा है। कौन? नुमान कबूतर। अच्छा, गर्दन बड़ी अच्छी इसकी। अच्छा, ये नहीं जी, इसका पर भी देखें, बंगले भी बड़ी हैं, साइज भी बहुत लंबा चौड़ा साइज है, कोई छोटा साइज के कबूतर नहीं है ये, बिल्कुल जैसे आजकल लोगों के पास हैं, बड़े कॉम्पैक्ट। अच्छा, आप देखें इसकी दुम की सिमेट्री चेक करें, बगैर बनाए आप ये। हाँ जी, मैंने देखें तो आपको नजर आएगी कि इसकी दुम की सिमेट्री जो है तो कैंची बना देता है एकदम। हाँ जी, अगर आप उसको दबाते हैं तो वो कैंची पे ही छोड़ देता है। हाँ जी, खोलता भी नहीं है उसका। ये देखें, शेड भी देख लें, ये किस तरह के शेड्स हैं इसमें, और आगे जाके फिर दोबारा लाइट हो गया शेड। किसी हद तक प्योर कबूतर हैं। हाँ, आजकल अगर आप देखा जाए तो एक ये प्योर कमगर कबूतर है, लेकिन ये कि इसमें ये इमामदीन कबूतरों का बेसिक शेड है ये मेन। हाँ जी, हाय नुमान, हाय। अच्छा, ये भी इमाम दीन है? हाँ जी। ये नारा के मादा है? मादा लग रही है। ये नारा है? नारा है? ये नारा है। बहुत है। संदूरी पलकें जो हैं ये, जैसे इसमें हल्का हल्का सा शेड आ रहा है। हाँ जी, ये पुराने कबूतरों में होती थी कि या ये भी बाद में वक्त के साथ बन गया? कामरान भाई, संदूरी पलकें जो है ना,
क्या कहते हैं ये थोड़ी सी इख्तलाफी बात है। मैंने जिन नसासा से सुना ना वो कहते हैं कि जब ये इनब्रीड होते हैं ना तो तब कर जाते हैं ये सिंदूरी पलक, और ये वाकई सही बात है, मैंने चेक किया और इनमें तब सख्ती भी आ जाती थोड़ी खुश्क हो जाती। हाँ जी खुश्क होते हैं तो ऐसे नहीं तो बेसिक जो बुनियादी पलकें हमने सुनी है वो कच्ची पीली पलक हल्की पिलाट हल्की पीली बिल्कुल सफेद पलक बचपन में हल्की हल्की गुलाबी लग रही होती है वो साथ साथ पीलापन देती चली जाती है। हाँ जी और वो नोक में भी पीलापन आ जाता है कबूतर। हाँ की जो कमग्गर कबूतर है ये लें जी ये एक बहुत ही अच्छा ये देखें ये इसका कलर मैं एक बार खोल देता हूँ दूसरे से चूंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ भी उसको ये कलर है पुत्र थल्ले रख ऐ ये देखें जी ये कलर ये इमाम दीन कबूतरों का कलर है। हबीब भाई कह रहे हैं कि ये ज्यादा नजदीक तरीन कलर है। हाँ जी ये उसका बुनियादी कलर है जो जुरों से बने थे। जुरों में और इनमें क्या फर्क है? जुरे इनके बाप है। किस कलर में हुआ करते थे वो? जालदार। जालदार कैसे जालदार? आपने जब इमाम दीन पर वीडियो बनाई थी तो आपने कहा था मछली की के चानों जैसी जो छाप है। अच्छा वो मैं आपको वो जरा छाप नहीं आज तक लोगों को क्लियर हुई तो लोगों ने मुझे भी कहा था कि जी वो कैसी होती है। मैं आपको ज्यादा क्लियर बताएंगे। ये देखें ये देखा ये जो है ना अपना आप ये देख रहे हैं इसका पर एक के ऊपर एक जैसे ये चाने नहीं नहीं आप इसका पर देखें इसके हर पर के एंड पे वाइट आउटलाइन है। सही है और ये जस्ट लाइक इस तरह लग रहा है जैसे मछली के चानों के ऊपर चाने चढ़े हुए झालर झालर बना हुआ है। हाँ जी हर पर पे झालर। हाँ जी वो जो बुनियादी तौर पे जुरे थे वो इसी तरह सुनहरे कबूतर थे सुनहरे जालदार ठीक है पीली पलकें ऑरेंज आंखें नीला रिंग बड़ी आंखें और जालदार कबूतर थे। इनमें से निकलते हैं इमाम दिनों में से। हाँ जी इनमें से निकलते हैं तो निकला आपके पास कोई? हाँ जी मेरे पास है तो फिर अब वो लेकिन अभी वो उस कलर पे नहीं पहुंचा अभी वो कलर बना रहा है मैं लेकिन दिखाता हूँ। अच्छा इसका बताते चले जाए ताकि हम ये कबूतर इतनी देर में फिर शौक करवाएं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे एक नंबर सॉरी 11 नंबर कबूतर है। ये बेसिकली हमारी अपनी मतलब अपने घर की ब्रीड है। इसमें जो फर्स्ट पार है वो है उसका डब वालों का और दूसरा जो पार है वो प्योर कमग्गर मादी थी इनका। ये गहराई डब वालों की वजह से है। हाँ जी गहरापन। हाँ जी इनका कामरान भाई इनका बड़ा शानदार रिजल्ट रहा हमारे पास रहा होगा। हाँ बिल्कुल जैसा वो मजबूती है उसमें। इसको मैं छोड़ दूँ? हाँ हाँ वो हो गया क्लियर। ये देखें जी 371 लोग हमारे साथ हैं माशाल्लाह। मारूफ बलोच साहब उस्ताद मारूफ बलोच साहब मलक जहीर शफी साहब जाहिद राजा साहब इब्राहिम मोहम्मद साहब देखें जी क्या नैन नशीली आँख है चौधरी सुहेल खान साहब नज़ीर हुसैन चद्दड़ साहब ओ जी चे साहब कितों आए हो अज गैब हो बड़े दिनों दे चौधरी साकिब साहब मैं अभी चूँकि अब कैमरे की तरफ आया हूँ तो इसको देख रहा हूँ इधर से कमेंट्स में तो आहा नदीम भट्टी साहब DOP बेस्ट DOP इन पाकिस्तान जनाब नदीम भट्टी साहब अपने काम से लॉयल हमारा शेर हमारा शहजादा हमारा भाई हमारा जो शौक की बात कामरान के साथ प्रोग्राम है उसकी कामयाबी ज़्यादातर ये नदीम भट्टी साहब की वजह से जिन्होंने पूरी लाइट्स को और कैमरास को बड़े ही शानदार और जादुई अंदाज से चलाया और इंशाल्लाह आइंदा भी चलाएंगे। चंद प्रोग्राम एडिट होने हैं उसके बाद नदीम भट्टी होगा और हम होंगे। ये देखें जी ये इसका पर बहुत ज़्यादा तेज़ पर नहीं हो गया इसका? नहीं ये मतलब उड़ते बड़े गुलाई में गोल उड़ते हैं तेज है तो कुछ नहीं होता। साइज असल में कंट्रोल जो आपने पकड़ा हुआ जाहरी बात है ये तो ब्रीडर कबूतर है इसके वेट में और प्रवादी कबूतर के वेट में तो फर्क होगा नहीं लेकिन मैं जो उसका साइज है ब्रीडर थोड़ा सा होना चाहिए उसकी अपनी जान में होना चाहिए आहर उसने दो बच्चों को पालना है। नहीं नहीं मैं परों के हिसाब से बात कर रहा था कि थोड़ी तेजी ज्यादा लग रही है लेकिन यह है कि उसका साइज आपने बड़ा मेंटेन किया। अगर ये साइज छोटा होता तो फिर कुछ शक था कि बहुत ज्यादा। हाँ जी ये हिट कराएगा या इस तरह। ये लो भाई सलमान जानू कामरान भाई पता क्या मैंने अपनी ये मुझे पकड़ा
मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था जिस कबूतर के पर दुम से जितने छोटे होंगे ना, जिस कबूतर के पर दुम से जितने छोटे होंगे वो तेज परा होगा। ये बात आपको याद है सक्कर जाते ट्रेन में भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तेज परा होगा और जिस जिसके दुम के बराबर होंगे वो तेज परा नहीं होगा। वो आपने बात की किन के दो परिंदों की मिसाल दी थी, चिड़िया की और चील की। हाँ जी, कि जिसके देख लें आप चील के पर बड़े होते हैं तो वो कम पर मारती है। हाँ जी, और चिड़िया जो है वो छोटे पर होते हैं उसके। हाँ जी, तो वो तेज उड़ती। इसको फिर डिस्कस कर लें फिर वो। हाँ, उसपे करते हैं। ये आ गया जी अब एक और कबूतर, अब इसको भी देखते हैं। अब ये डिफरेंट है, इसके बारे में भी अभी भाई बताएंगे ये कौन से कबूतरों में से। ये ले जी, आंख देखें, ये वो जुर्रे जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये अभी मतलब इसने समझ लें कि एक दफा धागा साफ किया, अभी इसको पेयरिंग की है। ये बिल्कुल जालदार हो जाएगा, गंडे बना गया। हाँ जी, ये बिल्कुल जालदार हो जाएगा। ये पर देखें कैसा निकाल के आया। जी कुछ लोगों के पर कांप रहे थे, कबूतर ही पूरा कांप रहा है। देखें माशाल्लाह, बगले अभी सफ़ेद हैं। अभी भाई कह रहे हैं जालदार हो जाएगा, जालदार होगा तो फिर ऑब्वियसली ये सारा ही कलर जो है गहरा करता चला जाएगा। अच्छा, इसकी दुम में सुनहरीपन कम है, ग्रेइश शेड है। हाँ जी, ग्रे शेड। ये देखें जी कबूतर, आप क्या कहते हैं कि बेसिक ये नस्ल पाकिस्तान में कहाँ से आई, किस तरह चली रेड आईज की? जो ये भजन, ये बुनियादी तौर पे तो कसूर के कबूतर है। मतलब कसूर में जहाँ से भी आए, मुतहिदा हिंदुस्तान था तब, जो हमें पता लगा तब वहाँ से आए थे ये कबूतर। तो लेकिन हम इनको मतलब अपनी आसानी के लिए ये कह देते हैं जी कसूरी कबूतर। ठीक है, मैंने जो मैंने जिस बुक पे मैंने काम किया, सारी कंपाइल कर ली, उसमें कामरान भाई जिन असाजा से मैं मिला ना, उसमें बड़े बड़े मज़ेदार इंकशाफ हुए। उनमें एक ये भी था कि जब ये बुनियादी तौर पे जब ये कबूतर न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थे, उस वक़्त इनके पर दुम से भी इतने बाहर थे। हाँ जी, इनको बाद में मतवाजन किया गया, इनको बैलेंस किया गया। ये बात मुझसे किसने की थी? लाली पहलवान साहब। लाली पहलवान ने भी की होगी। इसकी मैंने जो है ना तस्दीक की मुख्तलिफ असाज़ा से, तो उन्होंने भी इसका किया कि उन्होंने कहा वाकई इनके इनमें से कोई ऐसे कबूतर थे जो लंबे पर निकालते थे। और वो उनके बकौल वो कबूतर जो हैं वो शाम को भी घर नहीं बैठ सकते थे। सही, और आपने बड़ी मशहूर इनकी बात सुनी होगी मगरों के बारे में कि उनके साथ के साथ ही रात बाहर रह गए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसमें वो किया था फिरोजपुरी डाले। लाला कमरदीन खान ने इनको फिरोजपुरी डाल के इनमें वापसी ज़्यादा बढ़ाई थी। सही, उसके बाद ये जो है उसके बाद इनको स्ट्रॉन्ग। तो जो फिरोजपुरी डले तो उसके बाद ये जुर्रे और ये इमामदीन उनमें से निकले, या क्योंकि वो सफ़ेद ज़मीन तो खो गए होंगे ना कबूतर के आने से। फिरोजपुरी जब पड़े हैं ना, उसके बाद जुर्रे बने हैं, जो फर्स्ट ब्रीड बनी है। जो फर्स्ट ब्रीड बनी है वो जुर्रों की थी। जुर्रों के बाद फिर साधना बने जुर्रों में से, इमामदीन बने, हीरा लाल बने, गोल्डन बने, ये जुर्रों में से बने हुए। सही, बिल्कुल सही हो गए। अब अभी भाई कौन से कबूतर दिखाएंगे? कोई दिखाना है नीला, क्योंकि आपके नीले बड़ी पहचान रहे हैं। मैं नीला कबूतर दिखा देता हूँ। हाँ, ये कर नीला कबूतर दिखा देता हूँ। वैसे अब मेरा ये था कि अगर उससे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते जो आप कह रहे हैं। एक कबूतर देख लें ना। ठीक, मेन ये कबूतर, ये भी स्कूल है, ये एकेडमी है। एकेडमी है भी भाई, वो उसके कॉर्नर पे घर बन गया स्कूल के कॉर्नर पे। हाँ जी, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लग रहा था मैं गलत गली में आ गया, तो मानने का नहीं सही है, कॉर्नर जो है चेंज हो गया। नहीं जी, अब अभी भाई की जो पहचान है वो सिर्फ एक कबूतर नीला जो है हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मज़ीद कुछ शौक के बारे में और सर्दियों
क्योंकि सर्दियाँ ठंड हमें भी इस वक्त लगने लग जाती है, तो इसी तरह ठंड कबूतरों को भी लगती होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके बारे में भी बात करते हैं जी। अब देखते हैं कि भाई कबूतर दिखाएंगे, अभी अभी लेने गए हुए नीला कबूतर, तो नीले भी कहने को तो कमग्गर कबूतर है। तो अब नीले कमग्गर जो है इनकी क्या तारीख है, इनके बारे में भी उस्ताद हबीब मुगल साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि नीले कबूतरों का कमग्गर होने में किस हद तक मुसद्दका जो है कोई रिवायत मिलती है। कि अभी तक जितने भी बातें हुई हैं वो यही हुई हैं, जालदार थे, गहरे थे, कलसरे थे, सलारे थे, जो भी था, लेकिन इन कबूतरों का कमग्गरों से कोई ताल्लुक है या अलहदा ही कोई चीज़ थे तो बाद में इन्हें कमग्गर कहा गया, तो इस बारे में भी हबीब भाई से पूछते हैं। फिर डब वालों का उन्होंने जिक्र किया इस तरह से कि उन्होंने अपने घर की एक मेकिंग दिखाई है डब वालों में से, तो वो हम पूछते हैं कि डब वालों का अभी कोई लिंक है कमग्गरों से कि नहीं, तो वो भी हम देखते हैं। ये दो बातें पूछ के फिर आपसे हबीब भाई से सर्दियों की जो कबूतरबाजी है एहतियात और तदाबीर उसके बारे में बात करेंगे। आगे उस्ताद हबीब मुगल साहब दिखाएंगे अपना एक नीला कबूतर और वो हम आपको दिखाते हैं। भाई गाड़ी गलत लगी हुई है। अच्छा चलिए अभी कबूतर दिखा करके दिखा, नहीं तो आप इसको चाबी दे देंगे जाके खुद ही हटा लेंगे वो। हाँ ये चला जाएगा, पीछे गाड़ी उनकी गाड़ी निकालनी है उन्होंने, नहीं नहीं वो चला दें, जो गाड़ी चला लेंगे, जो गाड़ी वाला होगा वो खुद ही चला लेंगे। उतर जाएंगे, हाँ चले लें जी। ये आ गया नीला कबूतर, पहले गौर कर लें इसकी आंख पे, ये इसका पारा बड़ा मुलायम किस्म का कबूतर है। सलमान है पक्के पंजे का, तय तो पहुंच जाएगा। मैं कहीं रास्ता भूल गया, मिल गया नंबर। अच्छा वो उन्हें कॉल नहीं कर रहे आप, मैं समझा आप कॉल करके उन्हें, मैंने कॉल की है लेकिन उन्होंने आगे से बंद कर दिया। साथ वाले यहां पे गाड़ी गलत लगाई थी, नहीं नहीं इधर गमलों के साथ लगाई हुई है, वहाँ गाड़ी खड़ी थी उसकी बैक साइड में लगाई है, उसके आगे जगह है। अच्छा अभी भाई इनका क्या ताल्लुक है कमग्गरों से? कमग्गर कबूतर है मेरी नज़र में तो ये एक जो हरे चीने आप देखते हैं उनका ये बुनियादी कलर है। सही, हरे चीने कबूतर जिस तरह चौधरी साहब के सेबे वाले कबूतर हैं, और भी कई जगह पे हैं हरे चीने कबूतर, उनमें आप ये देखें कि ये जो बुनियादी कलर है उनका ये है। सही, उनमें भी निकल आते हैं। हाँ जी, इसका मतलब है कि पीछे बुनियाद होगी, पीछे बुनियाद ये। लेकिन जो कमग्गरों की जो हम कयास सराइयाँ कह लें या जो भी बातें उनमें कभी इनका नाम नहीं आया। नहीं मैं आपको बताता हूँ, उसमें कमग्गरों के पास असल तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि कमग्गर शायद कल सिरे कल दुमे और कल परे ही थे जालदार। हाँ जी, उस वक़्त कमग्गरों के पास जितने भी कबूतर थे ना उन सबको कमग्गरों वाले ही बोला जाएगा बेसिकली। ठीक है, उनको कमग्गरों वाले ही बोला जाएगा। हाँ, कमानगरों के घर के। हाँ जी, उनके घर के हैं तो उनको यही बोला जाएगा। सही, तो ये उनके घर की ही कोई ब्रीड होगी। हाँ जी, ये उनमें से ही होंगे। ये जो भट्टी साहब कहते हैं ये फिरोजपुरी मतलब शाहजहानी कबूतर थे। हाँ वो छोटी नोकों के जो नहीं नहीं बड़े, ये नीले कबूतर थे शाहजहानी कबूतर। सही है, ठीक है, उनमें से ये मतलब बाद में चीने बने और ये निकले, लेकिन मेरे पास आज तक इन्होंने ऐसा बच्चा नहीं निकाला। इनको भी 20 साल हो गए, ना इन्होंने चीना निकाला है, ना इन्होंने जीरा निकाला, ना इन्होंने छोटी नोक का निकाला है, ना जीरा निकाला है, ना स्लेटा निकाला है, तो फिर आज तक नहीं निकाला।
स्लेटा क्यों निकालेंगे? मतलब होता है ना कि यार मिक्सिंग की होती है, क्या अगर मिक्सिंग से बना होता तो बट्टी साहब के जो चीने कबूतर है ना नहीं बट्टी साहब के, वो बताते हैं कि इनको शुरू में फुलसरे कहते थे। बुनियादी तौर पे ये कबूतर थे उनके पास, कमानगरों के पास, जिनको फुलसरे कहते थे, उनमें से चीने बने। अब वो सात कलर निकालते हैं, वो कबूतर सात कलर निकालते हैं, वो जो चीने हैं उनमें फुलसरे भी निकलते हैं, जीरे भी निकलते हैं, कल सिरे कल दुमे भी निकलते हैं, और ये नीले भी निकलते हैं उनमें से, और स्लेटे भी निकलते हैं। अच्छा, आपको बहुत से लोग सलाम दे रहे हैं, एक दफ़ा तो ज़रा ऑडियंस के साथ ज़रा इंडल्ज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जितने भी भाइयों ने सलाम किया है आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। हम कामरान साहब तशरीफ लाए हैं, ये इनका भी प्यार है कि हम आज आपके साथ लाइव चल रहे हैं। डिस्कशन में असल में हम थे तो इसलिए नहीं, हम लोगों ने देखा कमेंट्स की तरफ। हाँ जी, तो कबूतरों पे ही डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, अभी भाई एक भाई का सवाल एक छोटा सा, वो कह रहे हैं कि जो ब्रीडर कबूतर है उसकी आंख से भी कोई जजमेंट है कि जी इसको ब्रीडर बनाना चाहिए या नहीं? आंख में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी को ब्रीड में लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं तस्वीरें आँखों की, पर की, अभी भाई ये मैं ब्रीड में डाल लूँ, ये ब्रीडर है कि नहीं। आप लक्के कबूतर को भी ब्रीड में डालेंगे तो ब्रीड तो वो करेगा, ब्रीड तो वो करेगा, तो इट्स मीन के वो ब्रीडर है। ठीक है, आपने अगर किसी महसूस ब्रीड का शौक करना है ना, जैसे कि आपको आपको किसी ने कहा जी टैडियों का शौक करें, तो आप फिर देखें कि ये जो आंख है जो मैं लेके आ रहा हूँ, जो मैं जोड़े में डाल रहा हूँ, ये टैडियों के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है कहने। सही, डब वालों का शौक करना है तो डब वाली जो मेरे पास है, मादा है या नारा है, ये उनकी ये जो आंख है ये उसके क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है कि नहीं। दूसरी जो सबसे पहली तो ये है कि वो नस्ल के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, वो जो आंख है, जो आंख है वो नस्ल के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आंख कुशादा हो, उसका जो रिंग है, सॉरी जो उसका काला नूर है वो जितना बारीक हो अच्छा है। ठीक है, और आंख जो है वो रोशन हो। उसके बाद आंख के साथ जो पलक का लिंक है, पलक नफीस होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, उसके ऊपर जो दंदाने होते हैं वो बारीक होने चाहिए, पलक के गिर्द जो फालतू गोश्त है इस तरह का कबूतर ना हो। अभी भाई ये बन कैसे जाता है गोश्त? ये इनब्रीडिंग से, ये एक फॉल्ट ही है ना? हाँ जी, फॉल्ट है, ये दूर हो सकता है, हो सकता है काम, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, मेहनत करनी पड़ती है। सही, तो यानी कि अगर हम एक कबूतर की डबल पलक देख रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यार इसको खराब किया गया आपस में लगा लगा। हाँ जी, ठीक हो गया, तो उसको फिर हम प्योर नहीं चला सकते? डबल पलक अगर तो बुढ़ापे में है ना, तो उसका उसकी कंडीशन कुछ और है कामरान भाई। वो तो फिर ये है ना कि जब बुढ़ापे में जाके कबूतर का जिस्म पहले फैटी था, बुढ़ापे में जाके कमजोर हो गया, तो वो सारा जो है वो जमा हो गया। ठीक है, वो मेरा लवई कर रहा है सुमान। हाँ, अच्छा, तो वो अगर तो, लेकिन अगर वो बिल्कुल यंग एज में उस तरह डबल पलक है तो फिर वो आप बेहतर ये है कि ब्रीडिंग के लिए उसको ना करें। बहुत बंदे कहते हैं जी मेरे पास ऐसे कबूतर ने बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है, आप कह रहे हैं कि उसको ना ब्रीडिंग के लिए करें, तो ये भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस कबूतर को लगाया तो उसी का रिजल्ट आ गया। ये 100% पॉसिबल है कि आपकी जो मादा है उससे भी अच्छी हो जिसके साथ आपने लगाया। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो क्यों ना उस मादा को उससे बेहतर अच्छे कबूतर से लगाया जाए और ज़बरदस्त रिजल्ट लिया जाए। बिल्कुल ठीक हो। अभी भाई वो लड़का आ गया दोबारा, अच्छा, उसको किसी तरह ऊपर बुलाएं, फिर वो आपसे एक टिप लेनी है क्योंकि आजकल सर्दी ज़्यादा है। हाँ जी, शुरू हो गई है। हाँ जी, तो सर्दियों के बारे में ज़रा एक तो खुराक और एहतियाती तदाबीर। कुछ लोग ना बिल्कुल पैक कर देते हैं खुटे और बाद में कहते हैं हमारे लकवा झोला पड़ गया। जी जी, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये एक दो टिप आप इसी में वीडियो में, मैं कहता हूँ कि हम इसको कवर करें क्योंकि वीडियो बड़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, तो अगर वो हमें बताएं, क्योंकि देखें ना जी सर्दी इतनी हो गई कि हमने तो अपर शपर पहनना शुरू कर दिए हैं। ये आपके सामने कल दूसरा था, आज दूसरा, इसलिए शुक्र गुजार हैं असद भाई के। ये देखें, ये अंडर आर्मर का लोगो लगा के उसने हमें अपर बना के दिए हैं और यही अपर वो
सेल भी करा मैंने, इसकी भी वीडियोस उसकी वजह से लगा दी थी, इसलिए अब ज़्यादा बोल नहीं सकता मेरे आगे। दूसरी तरफ मैंने जो है वो कर दिया, नुमान नीचे जाके जो है वो बोलते हैं वहाँ से दरवाज़ा मुझे पकड़ाएं, हम आपकी तरफ की रखते हैं। तो अच्छा, अगर हमने किसी कलर को मेंटेन करना हो तो कलर भी हम बासानी मेंटेन कर सकते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये कबूतर जी ये पक्के कलर का? भाई जान मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसके लिए आपको बुनियादी तौर पे ब्रीड का लाजमी इलम होना चाहिए कि ये किस कलर में थी और क्या थी। सही, देखिए जालदार जो है ना, जालदार ये अलमारी वाले भी हैं कबूतर, जालदार जुड़े भी हैं, जालदार इमामदीन भी हैं, जालदार साधना भी हैं, काले जालदार भी हैं, मैंने आपको नहीं दिखाए। हाँ मैंने देखे, वैसे यहाँ पे फिर रहे हैं। तो आप एक जालदार को दूसरे से लगाएंगे सिर्फ जालदार समझ के, तो वो ये ना समझे कि आपने कलर को प्रिजर्व किया है, ठीक है, बल्कि आप उसको ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सब में फ़र्क है। अब मैंने आपको पहले इमामदीन दिखाए हैं, फिर मैंने आपको आंखों में फ़र्क, जिस्म में फ़र्क, पार में फ़र्क महसूस हुआ कि नहीं? ऐसे ही है नहीं, वो क्योंकि लोग करते हैं ना, लाल आंख से लाल आंख लगा दी, टैडी से टैडी लगा दिया, अब एक टैडी चोई साहब का, एक टैडी मेयर साहब का, या एक टैडी मियां साहब का, लेकिन लोगों ने उनको मिला दिया। कामरान भाई, ये मीडिया का एक फैज़ है, लोग बहुत सियाने हो गए हुए हैं, अक्लमंद हो गए हुए हैं लोग, ठीक है, और हमारी सोच वहाँ पे ख़त्म होती जहाँ से लोगों की शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े महान उस्ताद हैं, यकीन करें। बिल्कुल ऐसी, तो आप उसका ये सिंपल सा फार्मूला ना कि आप वहाँ पे लिख दें किसी ग्रुप में कि मेरे कबूतर को नज़ला हो गया, शाम तक देखें 1.2 के उस पर नुक्से जात आए होंगे। हाँ जी ऐसी है। हर बंदे का अलग होगा। हाँ सबके अलग अलग आएंगे, बिल्कुल हर बंदे का। और कई 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 ऐसे भी, ऐसा भी नुस्खा होता है उस पर पढ़ के हंसी आती है। हाँ कि यार ये लोग क्या मतलब क्या सोच रहे हैं और क्या करते हैं, बस वो जिसका जहाँ पे तुक्का लग गया वो वहीं पे लग गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा अभी भाई सर्दियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आजकल क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? मैं तो बंद करता हूँ। बंद करता हूँ मतलब? मैं तो सारे मेरे जितने होते हैं मेरे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अच्छा कबूतर ही बंद हो जाते हैं? हाँ जी, ये आपकी वजह से आज मतलब अभी तक खुले हैं। अच्छा, नहीं तो मैं जब अभी तो खैर मौसम भी वैसा नहीं है, जब ज्यादा सर्दी आ जाती है मैं 1:30 बजे खोलता हूँ, 2:30 बजे बंद कर देता हूँ, बस सारा दिन बंद, अगले दिन फिर इसी तरह खुलते हैं। तो ये मेरी रूटीन पता नहीं कब से, हवा का बस यही जितना है। हाँ जी बस यही यही रहेगा, दरवाजों के ऊपर जितनी सी जाली है वही है। सही, और इससे ये है कि चले हब्स नहीं बनेगा, कुछ हाँ। नहीं होगा, अगले दिन अगर आप खोलते भी हैं तो कबूतर फ्रेश ही रहेगा। फ्रेश है। लोग जो बिल्कुल पैक कर देते हैं कि हवा ना कहीं से अंदर जाए, फिर खोलते फिर वो कहते हैं लकवा जो लगा। एक कंडीशन बताता हूँ, बाद लोगों की छतें होती हैं बहुत ऊंची, एक चीज। दूसरी चीज, बाद इलाके बड़े सर्द होते हैं, वहां पे जो ठंडी हवा है ना, जिसको पंजाबी में सीत वाली हवा कहते हैं, वो डायरेक्ट हिट करती है। सही है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप अपने इलाके के हिसाब से ये प्रिकॉशंस करें। जो बंदे कहते हैं ना कि मेरे तो कबूतर जी खुले रहते हैं, तो वो मैं उस चीज को मैं नहीं सपोर्ट करता, सीधी सी बात है। सही। मैं कहता हूँ बंद होना चाहिए। अच्छी बात है, हम वैसे हमारे नहीं बंद होते। नहीं आपने तो बड़ा वो मैंने देखा है, आपने तो बड़ा उसको फाइबर वगैरह लगाया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट हवा बहुत कम ही पड़ती है। आप ना भी बंद करें भाई जान, फिर भी वो चलता रहता है। लेकिन ये कि प्रिकॉशन में हम भी उनको शुरू से थोड़ा सा उनको पानी की एहतियात, हाजमा उनका ठीक, ये चीज रोज जाके उनको कबूतरों के बगौर देखना भी बहुत जरूरी। देखे आज का पानी, आज जो डाला है आज का पानी, अगर सुबह पियेंगे कबूतर लाजमी बीमार होंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने इन दिनों में स्पेशली कबूतरों पे ध्यान रखना कि कौन सा मेरा कबूतर कम खा रहा है, बस उसको पकड़े। हाँ। कौन सा कबूतर मेरा अंदर बैठा हुआ है, फूल के बैठा हुआ है। अब जो मैं आपके इसी प्रोग्राम के तौर से एक बात लाजमी कहना चाहूँगा, अब कबूतर ये जो डेज अब आएंगे इनमें कबूतरों का नमूनिया सिंपल जुबान में, वो कबूतरों का नमूनिया जो है वो बड़ा आम है। उसमें क्या है कि कबूतर मुंह खोल के सांस लेते हैं, ठीक है, और वो सफेद सफेद सी बीठें करेंगे, फूल के बैठ जाएंगे, और बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा पियेंगे, दाना कम खाएंगे, और जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, कबूतर पकड़ेंगे तो कबूतर आपके हाथ भी फड़क के
मर जाएगा। वजह क्या है कि ये बेसिकली ये जो है ये फेफड़ों को, मतलब फेफड़ों का इन्फेक्शन है, ये कोविड है, तो उस वजह से जब वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, आप पकड़ते हैं ये तो साइड पे फेफड़े हैं, मतलब कबूतर की जो शेप बनी हुई है, आप पकड़ते हैं ज़रा सा दबाया वो गया। हाँ जी, अब उसका किया क्या जाए, आपको मैं सिंपल सा हल बताता हूँ। अगर आपको इस तरह की सूरत हाल अपने खुडे में नज़र आती है कि मुंह खोल के कबूतर सांस ले रहा है और वो कर रहा है, तो आप फौरी तौर पे क्लैरिटेक जो है, क्लैरिटेक सिरप जो है वो लें, और पैनाडोल सिरप जो है बच्चों वाला, ये 5-5 cc आप नीम गर्म पानी 1 लीटर ले लें, उसमें डाल के आप सबको पिला दें। दूसरी बात ये कि जब भी आपका कबूतर बीमार हो, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि आप ये करें कि सबसे पहले उसका दाना तब्दील करें, दाना उसका एक साइड पर रख दें, जितना मर्जी अच्छा दाना आपका उसको एक साइड पर रख दें, पोल्ट्री फीड लें, ठीक है। पोल्ट्री फीड का सबसे अच्छा जो सबसे ज़बरदस्त जो अहम चीज़ है वो ये है कि दाने को जब कबूतरों ने खाना ना, 4 घंटे उन्होंने उस बेचारे ने नरम करने के लिए लेने हैं, सेहतमंद कबूतर ने, बीमार कबूतर हो सकता है कल तक भी नरम ना कर सके उसको, उसके बाद उसने उसको डाइजेस्ट करना है। हुई नहीं गाड़ी आगे सुनो जी मां साहब, मौसम भी चेंज हो गया, सलमान साहब को भी सर्दी लग तो रही है, गाड़ी में पीछे पड़ा होता अपर, गाड़ी में अपर पड़ा वैसे। सही। क्लैरिटेक और हाँ जी, वो जो है वो नीम गर्म पानी में डाल के आप सबको पीने दें। बात चल रही थी फीड की, फीड जो वो कल तक भी नरम नहीं कर पाएगा दाने को, जो आप मोटा दाना डालेंगे, मैंने कहा बेशक आपका मतलब सोने जैसा दाना हो, आप उसको साइड पे रख दें, फीड दें साथ में नीम गर्म पानी दें, आप बिलीव करें 40-45% कबूतर आपका इसी तरह सही हो जाएगा। बाकी बातें तो ठीक है, वजह क्या है, जब उसने फीड खानी है ऊपर से उसने नीम गर्म पानी पीना ना, फौरी एनर्जी मिलनी है, अंदर डाइजेस्ट होना है, उसने फूलना है, फौरी एनर्जी मिलनी है, उसके बाद उसने आपने दवाई दे देनी है, बंद कर देना है, इंशाल्लाह ताला अगले दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, इम्यून सिस्टम इसका अच्छा हो जाएगा जब वो फौरी एनर्जी आएगी जी। हम लोग ये, और लास्ट बात मैं कामरान भाई ये कहना चाहूँगा कि हर बीमारी को, कबूतर फूल के बैठा है, कबूतर खा नहीं रहा, कबूतर दाना गुलाच रहा है, हर बीमारी को हम एक नाम दे देते हैं जी, मेरे कबूतरों को रानीखेत हो गया। रानीखेत जो है ये हर बीमारी का नाम नहीं यार, और बड़ी बीमारियाँ, अब तो खेत ही खत्म हो गया जहाँ रानियाँ फिरती रानीखेत कह रहे हैं, और बड़ी बीमारियाँ, बीमारी को आप अच्छा और कीमती कबूतर ले के आते हैं, बीमारी को जो है वो समझें, अगर आपने बीमारी के सिम्टम्स आपने तलाश कर लिए तो आप यकीन करें आप उसकी अच्छे तरीके से उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। आपको सिम्टम्स का ही नहीं पता, वो वहाँ पे कुछ और है सिम्टम्स, दवाई कुछ और, आप दवाई कुछ और डाल रहे हैं, तो ठीक चौथे दिन कबूतरों के गुर्दे स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, और वो बजाय अच्छे होने के आप कहेंगे जी मैंने तो साउथ अफ्रीका की और फलां जगह की दवाई डाली है तो मेरे तो कबूतर सही और बेड़ा गर्क हो जाएगा, और बेड़ा कह रहे हैं कि पता नहीं हम दवाई जिस चीज़ की डाल रहे हैं वो क्या असर कर रही है, हमें ये भी तो नहीं पता ना। हाँ जी, वो अलग कोई अपना इफेक्ट दे रही है,
और कबूतर पहले ही कमज़ोर होता जा रहा है, उसके और मसले मसाइल उसके बेचारे के ख़त्म नहीं हो रहे, आपने नया मसला उसमें खड़ा कर, हाँ जी, उससे कबूतर और बहरहाल ये इसके अभी भाई की सारी बात का लुबे लुबाब ये है कि थोड़ा सा बीमारियों के ऊपर अपना नॉलेज को बढ़ाएं ताकि आप अपने कबूतरों को देख सकें। जैसे कल एक बात की हामिद भाई ने कि एक शौकीन आया और उसने कहा कि यार मेरे सारे कबूतर ही मर गए। उन्होंने कहा किवें मर गए? उन्होंने कहा बीमारी ना। तो कहते मेरा कज़न बैठा कहना तू भी कबूतर बाग है जैसे कबूतर ही मर गए। तो मतलब बड़ी अच्छी लगी ये बात कि ये अगर आपने एक शौक करना है तो उसकी दिलचस्पी रखनी है तो उस पर नॉलेज भी होना चाहिए आपका। अगर आपके पास नॉलेज होगा आप अपने शौक को खुद ही बचा सकेंगे। अभी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, आपने कीमती वक्त दिया हमें और बहुत शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया। मैंने इसे कल से कहा हुआ था परसों से कि भी कर फोन कर। इसने फिर कल ये किया। मैं अभी इस पे कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के, उन्होंने किसी ने ये भी लिखा हुआ ये बंदा कमेंट्स नहीं पढ़ता। तो जिन दोस्तों ने सलाम किया है उनके लिए वालेकुम अस्सलाम। ये जब ये गपशप चल रही होती है इसमें वाकई वन बाई वन पढ़ना मुश्किल होता है, फिर वो बंदा उनका सलाम का जवाब ही देता रहेगा, असल बात नहीं कर पाएंगे। और दूसरा अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, फोन हाँ मेरा वहाँ पे है तो मैं कैसे कमेंट पढ़ूंगा। हाँ जी, तो उन सब का जिन्होंने सपोर्ट किया है और जिन्होंने सुना है, जिन्होंने जिनका प्यार है, उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन्होंने सलाम किया वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी हमारी बेस्ट वीडियोज़ में से एक वीडियो होगी और अपनी राय का इजहार इसी तरह कमेंट्स में करते रहिएगा क्योंकि वो हम पढ़ेंगे, अब तक के जो नहीं पढ़े वो भी जाके पढ़ेंगे। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।